नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद हापुड़ में आज किसानों ने अपनी आवाज को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए अपने रक्त से प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें किसानों ने लिखा कि आज भारत का मंझला व छोटा किसान कर्ज में डूबा हुआ है। इसका एकमात्र कारण किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि किसानों ने पत्र के माध्यम से बताया कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के सरदार वीएम सिंह के नेतृत्व में किसान गत 26 वर्षों से न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी की मांग करता चला रहा है। आपने अपने सभा में कहा है कि आपकी सरकार किसानों को उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना दाम दे रही है। यदि ऐसा कहना सच है, उसे कानून बनाने में क्या आपत्ति है? इसी मुद्दे पर पूर्व में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी बदला जा चुका है। अंत आज सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के 90वें बलिदान दिवस के अवसर पर गुरुकुल महाविद्यालय ततारपुर में अपने रक्त से पत्र लिखकर आग्रह करते हैं कि कृपया किसानों की सुध लो और तीनों कृषि कानून को वापस लो तथा किसानों की प्रत्येक फसल की उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की सुनिश्चितता पर कानून बनाओ। आज हमने राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के बलिदान दिवस पर किसानों का आंदोलन भी इसी के साथ में जोड़ा हुआ है कि हमारे किसानों को जो MSP से कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है, उसके लिए हम राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के बलिदान दिवस पर एक खून से लिखा हुआ पत्र प्रधानमंत्री जी के लिए भेंट कर रहे हैं, जिससे वो इस पर विचार करें। बीसीएन न्यूज़ के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला कन्नौज के द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमणकारी बीमारी को देखते हुए जन जन में जागरूकता लाने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पोस्टर लगाकर जन जागृति लाने का अभियान शुरू किया गया है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती उज्ज्वला भूतड़ा, शोभा जोशी, पूनम मोती, नीलू गुप्ता, प्रफुल लता जोशी सहित समाज सेवी संगठन की ओर से रोको टोको अभियान के तहत बस स्टैंड के चौराहा पर आम जनों को जागरूक करते हुए बिना मास्क आने वाले राहगीरों को मास्क वितरित कर आक्रमणकारी बीमारी से बचाव का संदेश दिया गया। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से अरुण उइके की रिपोर्ट। निवेदन करती हूँ कि कोरोना ने वापस अपने पैर फैलाए हैं, तो अपने को सबको जागरूक होना है और मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी को रखना जरूरी है और सैनिटाइजर करना जरूरी है। और आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि आप लोग सब विदाउट मास्क का बाहर ना निकले। खातेगांव बामन गांव में एक अनुसूचित जाति की महिला नर्मदाबाई पति कमल, जो कि आंगनवाड़ी में सेविका के पद पर कार्य करी है, कुछ दिन पहले गांव के दबंग व्यक्ति रामस्वरूप दरबार के द्वारा नर्मदाबाई के साथ गाली गलौज कर मारपीट की गई, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। अपमानित ही नहीं बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। नर्मदा बाई के द्वारा बताया गया है कि मैं बामन गांव की निवासी हूं और आंगनबाड़ी में सेविका के पद पर कार्यरत हूं और यह दबंगों का काम है। मेरे साथ आए दिन अभद्रता व्यवहार करते हैं क्योंकि मैं अनुसूचित जाति चमार समाज की महिला हूं, जिसके चलते मैंने नेमावर थाने में रामस्वरूप दरबार के नाम से रिपोर्ट भी लिखवाई थी। उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था और 4 रोज में वापस भी छोड़ दिया। वो मेरे साथ रात दिन गाली गलौज करता है और जान से मारने की धमकी भी देता है और बोलता है कि रिपोर्ट वापस ले रही या नहीं, नहीं तो मैं तुझे आंगनबाड़ी से निकलवा दूंगा, नहीं तो जान से मार दूंगा। झगड़ा हुआ, मारपीट करी उसने, मेरे माथे में मार दी, गाली गलौज करी, गंदा गंदा बोला और जिसके बाद में मैंने फरारी करी नेमार में, तो उसने उसको जेल भी हो गई देवास। बाद में उन्होंने 4 रोज में छुड़वा भी लाए। मेरे को फोन लगाया पुलिस वाले ने, 2 बजे सुबह से लगाते तो मैं जा पाती, 2 बजे लगाया मैं कैसे जाऊँ, उस समय मैं आंगनबाड़ी में थी तो जा नहीं सकी। उनने छुड़ा ले आए उसको। बाद में वे लोग दिन पे दिन सुबह शाम परेशान करते हैं, आंगनबाड़ी से आती हूँ तो रास्ते में परेशान करते हैं, बोले राजीनामा कर नहीं तो आंगनबाड़ी से निकला देंगे, तो तेरे को साई का हो साली चमारन को आंगनबाड़ी से निकला देंगे। मांग की थी, नेमावर थाने भी की थी, कन्नौज भी की थी, देवास भी की थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई और वे लोग परेशान करते हुए बंद नहीं हो रहे हैं। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से अरुण उइके की रिपोर्ट।
शाहनगर वन परिक्षेत्र के पौसी चौपरा के जंगल में तेंदुआ दिखा है। मौके पर टीएफओ सहित पूरा वन अमला पहुंचा, रेस्क्यू कर किया क्विंजरे में कैद। मामला पन्ना जिले के शाहनगर वन परिक्षेत्र के पौसी चौपरा के जंगल का है, जिसकी पुष्टि करते हुए शाहनगर वन परिक्षेत्र अधिकारी आनंद शिवहरे द्वारा बताया गया है कि सुबह 9 बजे के लगभग वन अमले द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जंगली क्षेत्र में एक तेंदुआ विचरण करते हुए दिखाई दिया है, जिस पर त्वरित सक्रियता दिखाते हुए वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देकर मौका स्थल पहुंचे, जिसको रेस्क्यू करने के लिए पन्ना से विशेष टीम आई हुई थी, जिसको टीएफओ मैडम मीना मिश्रा जी के नेतृत्व में दोपहर 1:30 बजे के लगभग रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद कर लिया गया है। बता दें कि पन्ना से आई विशेष टीम एवं वन परिक्षेत्राधिकारी आनंद शिवहरे के घंटों के अथक परिश्रम के बाद तेंदुए को बेहोश कर पिंजरे में कैद कर लिया गया है, जिसे वन टीम द्वारा ले जाकर पन्ना के जंगलों पन्ना टाइगर रिजर्व में स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ा जाएगा। बीसीएन न्यूज के लिए पन्ना से कैलाश पांडे की रिपोर्ट। पन्ना जिले के देवेंद्रनगर में भी सुबह 11 बजे तहसीलदार देवेंद्रनगर एवं थाना प्रभारी देवेंद्रनगर द्वारा कोरोना के बढ़ते कदम को रोकने हेतु लोगों को जागरूक करने हेतु बस स्टैंड बोर्ड पर 2 मिनट सायरन बजाकर एवं लोगों को मास्क वितरित कर जागरूक किया एवं मास्क लगाने को लोगों को समझाइश दी। इस दौरान नगर के पत्रकार, नगरीय प्रशासन एवं राजस्व अमले के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। बीसीएन न्यूज के लिए देवेंद्र नगर पन्ना से कैलाश पांडे की रिपोर्ट। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह सामाजिक मंच के द्वारा कनौत नगर परिषद चौराह से कन्याशाला परिसर तक मशाल यात्रा निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद भगत सिंह भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद भगत सिंह व्यायामशाला सामाजिक मंच के पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ एवं राधेश्याम चाट के द्वारा बलिदानों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में एडवोकेट सुनील वर्मा, समाज सेवी प्रवीण धूत, थाना प्रभारी महेंद्र सिंह परमार, विनय तिवारी, मोहन चौहान, भगत सिंह व्यायामशाला सामाजिक मंच के संयोजक अनिल नाकर, रोशन नगर, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ व प्रेस क्लब के पत्रकार चंचल भारतीय, यूसुफ खान, अतुल गुप्ता, मांगीलाल मालवीय एवं सैकड़ों की संख्या में भगत सिंह सामाजिक मंच के युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूर्व विधायक कैलाश कुंडल भी बलिदान दिवस के अवसर सादर श्रद्धा सुमन एवं श्रद्धांजलि अर्पित कर देश के युवाओं के नाम संदेश दिया गया। युवकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस हालात को समझते हुए हर युवक जहाँ भी काम कर रहा है, जैसे भी काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। प्रदेश को, देश को, क्षेत्र को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, इस बारे में उसको अपना योगदान देना चाहिए। हमारे पूर्वज जो देश को आज़ाद करके गए हैं, उस समय सारे लोग युवा थे। आज ये जिम्मेदारी युवाओं पर है, चाहे भगत सिंह जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, जितने लोग थे उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। हम लोगों की जिम्मेदारी मात्र अब इतनी है कि उस आज़ादी को हम संभाल के रख सकें और आने वाली पीढ़ी को अच्छा देश, अच्छा भविष्य दे सकें। यही युवकों को मेरा ओर से संदेश है। धन्यवाद भैया। काम किया करता था भगत सिंह को, जब फांसी हुई तो उससे पहले उन्होंने बोधा से कहा कि बेबे मुझे आज तुम्हारे हाथ का भोजन करना है। तो बोधा जो निचली समाज का था, उसके मन में कहीं ना कहीं संकोच था। उनने कहा, भगत मैं तेरे लिए कैसे खाना बनाऊंगा, मैं तो इस सेल की साफ सफाई का काम करता हूं। तो उन्होंने उसे बेबो कहकर संबोधित किया। बेबो मतलब पंजाबी भाषा में अपनी माँ को कहा जाता था। उन्होंने कहा कि बचपन में मेरे मल मूत्र साफ करने का काम मेरी माँ किया करती थी, वही काम आपने किया है, इसलिए मेरी निगाह में आपका दर्जा माँ से भी ऊँचा है, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ का भोजन करके और इस दिन दुनिया को अलविदा कहना चाहता हूँ। तो जो बोधा नाम का जो वो सेवक था, उसने अपने हाथों से भोजन बनाकर और भगत सिंह को भोजन कराया। ऐसे ऊंचे विचारों को लेकर चलने वाले भगत, सुखदेव और राजगुरु थे और आज ही के दिन उनको शहादत मिली थी। मैं भगत सिंह व्यायामशाला का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि ये जो आज़ादी हमें मिली है, इतने सस्ते में नहीं मिली, और इस आज़ादी के जो दीवाने थे उनको। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से अरुण उइके की रिपोर्ट।
उज्जैन के जिला अस्पताल में रात को जमकर हंगामा मचा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और दुर्घटना में घायल पति और पुत्र का इलाज कराने पहुंची महिला ने डॉक्टर के साथ हाथापाई करते हुए पुलिस अधिकारी के साथ जुमा झटकी कर दी। हंगामे की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल में कोतवाली थाने सहित अन्य थानों की पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने महिला, उसके पति और पुत्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। न्यू इंदिरा नगर निवासी किरण सोमवार रात को पति अनिल और पुत्र शुभम को घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी। पिता पुत्र दुर्घटना में घायल हो गए थे। अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे डॉक्टर दीपक शर्मा ने जब दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती करने को कहा तो महिला उन्हें अन्य अस्पताल में ले जाने पर अड़ गई, जिस पर डॉक्टर ने जिला अस्पताल का पर्चा जमा कराने को कहा। इसी बात को लेकर महिला ने डॉक्टर के साथ विवाद करते हुए हाथापाई कर दी। हंगामे की आवाज सुनकर पुलिस चौकी में पदस्थ SI नारायण पाल पहुंचे तो महिला ने पुलिस अधिकारी के साथ भी जुमा झटकी कर दी। मेरा नाम डॉक्टर दीपक शर्मा है। कल 22 तारीख की मेरी नाइट ड्यूटी थी इमरजेंसी रूम जिला चिकित्सालय उज्जैन में। तो वहाँ पर घायल अवस्था में रात के समय 10 बजे के आसपास दो पुरुषों को लेके आया गया घटिया 100 डायल के द्वारा, और वो लोग अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में थे। तो उनकी जिस तरीके से MLC बनना चाहिए वो बनाते हुए मैंने कार्रवाई जो करी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो करी और भर्ती करने के लिए पर्चे बनाए। तो भर्ती का पर्चा उन्होंने लिया और उसके बाद में भर्ती न होते हुए पर्चे को अपने पास दबा लिया, छुपा लिया और उसके बाद अस्पताल से एब्सकॉन्ड करने लगे। पर्चा मांगने पर उन्होंने बोला कि पर्चा नहीं है हमारे पास, दो बार बोलने पर भी नहीं दिया उन्होंने और बाहर चले गए। बाहर जाकर जब उनसे मैंने बोला कि आप सरकारी दस्तावेज़ को इस तरीके से नहीं ले जा सकते, आपको वो जमा करा के ही जहाँ जाना है वहाँ जाना होगा, तो आपत्ति जताते हुए उन्होंने वहाँ पर अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया और गाली गलौज शुरू कर दी और हाथापाई भी की गई। और उसके उपरांत मैंने जो जिला चिकित्सालय में कोतवाली की जो चौकी है वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी और उनको अरेस्ट करने के लिए जो है आग्रह किया कि ये इस तरीके से काम कर रहे हैं तो अरेस्ट कीजिए। तो उन्होंने जो चौकी में हमारे पाल साहब हैं उनके ऊपर ही हाथ उठा दिया, जिसकी वीडियो फुटेज भी आ गई है हॉस्पिटल के कैमरों में। कल डॉक्टरों से कुछ लोगों ने विवाद किया था और उनके साथ में बदतमीजी भी करी थी, इस पर पुलिस द्वारा रोका गया, जिसके साथ उन्होंने पुलिस से भी अभद्रता करी। इस पर हमने राउंड अप करके और तीनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंज। बीसीएन न्यूज के लिए उज्जैन से महरुद्दीन कप्तान की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज के प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।